तिलदनेवरा पुलिस ने तीन अलग अलग प्रकरण में एक नाबालिग सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी अनिल कुमार वर्मा को शराब पीने के लिए जबरन मारपीट कर पैसा मांगने और आरोपी गौतम नागदेवे को खुलेआम आम स्थान पर हथियार लहराने की शिकायत पर पुलिस ने 25-27 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया है। वहीं एक नाबालिग ने मामूली बात को लेकर शिव कुमार साहू के पेट के नाभि में नीचे धारदार चाकू से वार कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका उपचार होने के बाद उसे रायपुर के मेकाहारा रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने नाबालिग को अपराध धारा 307 IPS हत्या के प्रयास में गिरफ्तार कर लिया है। सुनील ढीवाल के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें से उनके द्वारा आरोपी अनिल वर्मा ने उसको पैसे दारू पीने के लिए पैसे की मांग करते हुए नहीं देने पर उसको मारपीट किया। उस पर 294, 323 और 327 अपराध पंजीबद्ध कर अनिल वर्मा को हमने गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पर उसको जेल भेजा है। गौतम नागदेवे के द्वारा के वो तलवार लहराते हुए सूचना पर हमने पुलिस टीम भेजा, पुलिस टीम भेज करके घेराबंदी कर उसको पकड़े हैं और उसके खिलाफ 25-27 आर्म सेट की कार्रवाई की गई है। इसी तरह शाम रात पुरानी बस्ती के एक अपचारी बालक के द्वारा शिव कुमार साहू को मामूली बातों पर वो पास रखे छोटे से चाकू से धारदार हथियार से उसके पेट पे पेट के नीचे नाभि पे चोट पहुंचाई थी, जिसमें हमने मामूली का 294, 506, 323 अपराध पंजीबद्ध किया था। उसके डॉक्टरी मुलाजा पर से हमने पृथक से 307 उसमें धारा हमने जोड़ी है, जोड़ करके अपचारी बालक को गिरफ्तार किया है। ये तीनों प्रकरणों में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है।